नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई द 100 गेम मेंस टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट्स की गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में चल रही थी, जिसपे इमरजेंसी ब्रेक लगाया है ट्रेंट रॉकेट्स ने। और अब बारी है एक बार फिर लंदन स्पिरिट्स की बैक ऑन ट्रैक आने की, क्योंकि सामने होंगी वेल्श फायर, जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे विराजमान है। अब भैया ये होगा द 100 का 24th मैच, जो खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिच रिपोर्ट से लेकर बॉलर्स की परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ नजर डालेंगे लंदन स्पिरिट्स और वेल्श फायर की अभी तक की परफॉर्मेंस पर, और देखेंगे कि आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। हालांकि लंदन स्पिरिट्स के चांसेस काफी ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वेल्श फायर यहां से यूटर्न मार सकती है, देखते हैं आज की इस प्री मैच एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स पाते रहिए। भाई लोग लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में अभी तक द 100 के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस सीजन में मात्र एक मुकाबला खेला गया और उससे पहले लास्ट सीजन में 5 मुकाबले खेले गए थे और सभी मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एक मैच हालांकि पिछले सीजन में अबेंडन हुआ था। हाईएस्ट स्कोर है ट्रेंट रॉकेट्स का 181 रन्स फॉर 4 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर है बर्मिंघम फीनिक्स का 143 रन्स फॉर 7 विकेट्स। ये तो हुई बात अभी तक की स्टैट्स की, बॉलर्स के परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। इस सीजन में एकमात्र हुए मैच में 15 विकेट चटकाए गए थे, जहां पेसर्स ने बाजी मारी थी, 9 विकेट निकाले थे, तो वहीं स्पिनर्स ने 6 विकेट अपने नाम करे थे। तो ओवरऑल बॉलर्स के लिए ये काफी उम्दा पिच नजर आती है, काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस टीम के बॉलिंग अटैक में है दम, जो कि गेम को अपने नाम करेगी। अब भाई बारी आती है हेड टू हेड कंपैरिजन की। दोस्तों एक मुकाबला वेल्श फायर और लंदन स्पिरिट्स के बीच हुआ है पिछले सीजन में, जो कि वेल्श फायर ने जीता था 3 विकेट से। अब यहां पर लंदन स्पिरिट थोड़ा सा पीछे नजर आती है, लेकिन करंट सीजन को ध्यान में रखते हुए और स्पिरिट की प्लेइंग 11 को देखते हुए यहाँ पर वेल्श फायर काफी पीछे नजर आती है। एडम रोजिंगटन बैक ऑन ट्रैक आए हैं, रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं इन लास्ट फ्यू मैचेस, और इन्होंने अगर देखा जाए तो 5 मैचेस में 90 रन बनाए हैं। हालांकि ज्यादा स्कोर देखा जाए तो जैक क्रॉली का रहा था, लेकिन वो हाल फिलहाल प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं है। अगर वो टीम में होते हैं तो डेफिनेटली उन पर दारोमदार रहने वाला है टॉप ऑर्डर में। बारी आती है डेनियल बेल ड्रुमोंड की, जो कि हाल फिलहाल कंसिस्टेंट नजर नहीं आए हैं। वहीं बेन मैकडरमॉन्ड की बात करी जाए तो उन्होंने लास्ट मुकाबले में रन स्कोर करे थे। डेनियल लॉरेंस, ओयन मॉर्गन, कायरन पोलार्ड ये मिडिल ऑर्डर संभालते हैं, जहां पर मॉर्गन के नाम रहे हैं 5 मैचेस में 117 रन, कंसिस्टेंटली रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं, छोटे छोटे स्कोर कर रहे हैं और टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। वहीं कायरन पोलार्ड की बात करी जाए तो लोअर मिडिल ऑर्डर बेहद उम्दा तरीके से संभाला है इन्होंने। 4 मैचेस में हालांकि 88 रन बनाए हैं, लेकिन कुछ क्रूशियल पारी इन्होंने खेली है इन द लोअर ऑर्डर। अब बारी आती है गेंदबाजों की, तो दोस्तों यहां पर हमारे पास काफी ऑप्शन अवेलेबल है। कायरन पोलार्ड गेंदबाजी कर लेते हैं, जॉर्डन थॉम्सन उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, लियम लॉर्ड डॉसन ने भी कुछ विकेट्स अपने नाम करे हैं, तो वहीं मेसन क्रेन ने भी धारदार गेंदबाजी करी है। जॉर्डन के नाम रहे हैं 5 मैचेस में 9 विकेट, तो वहीं मेसन क्रेन ने 5 मैचेस में 5 विकेट अपने नाम करे हैं और लियम डॉसन ने 4 मैचेस में 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अब दोस्तों यहां पर बड़ी और खास बात यह है कि ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ ये तीनों ही गेंदबाज नाकाम रहे थे, विकेट निकालने में सक्सेसफुल नहीं थे, बट अगेंस्ट वेल्श फायर एक बार फिर यहां पर किस्मत पलटेगी और जॉर्डन थॉम्सन से लेकर मेसन क्रेन और लियम डॉसन यहां पर विकेट निकालते दिख सकते हैं। तो टीम काफी सॉर्टेड नजर आती है, कुछ चेंजेस एक बार फिर हमें देखने को मिल सकते हैं लंदन स्पिरिट की टीम में, और हाल फिलहाल स्पिरिट काफी सॉर्टेड दिखाई देती है। अब ओपोनेंट्स की बात करें तो यहां पर वेल्श फायर की टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रन स्कोर कर सकते हैं, बिग गन्स हमें दिखाई देती हैं। जो क्लार्क अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं टॉप ऑर्डर में, इन पर भरोसा जरूर जताया जा सकता है। हालांकि 5 मैचेस में मात्र 64 रन ही बना पाए हैं। वहीं बेन टकेट की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर इनके नाम रहता है, जो कि 5 मैचेस में 97 रन बना चुके हैं। वहीं जेकब बैथल, जॉश कॉब ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी तक रन स्कोर करते नजर नहीं आए हैं। डेविड मिलर की बात करी जाए तो भाई 4 मैचेस में मात्र 60 रन बना पाए हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब द 100 के इस सीजन में हमें देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड गेंदबाजों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे ड्वेन प्रिटोरियस काफी सक्सेसफुल हुए हैं, डेविड पेन ने भी विकेट लिए हैं, साथ ही साथ जैक पॉल टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। यहाँ पर ड्वेन प्रिटोरियस पर अगर फोकस करें तो 3 मैचेस में टीम का साथ दिया है इन्होंने, 48 रन बनाए हैं और 3 विकेट अपने नाम करे हैं। वहीं जैक पॉल ने 5 मैचेस में 6 विकेट अपने नाम कर लिए हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं जैक पॉल टीम के। वहीं डेविड पेन की बात करें तो 5 मैचेस में 3 विकेट, और जॉर्ज शिमशॉ की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस में 3 विकेट इनके नाम है। तो हाल फिलहाल बॉलिंग अटैक वेल्श फायर का डिसेंट नजर आता है ड्वेन प्रिटोरियस के आ जाने से। वेल्श फायर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन
स्पेसिफिकली बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक नजर आता है, प्लेयर्स को रन स्कोर करने होंगे इन ऑर्डर टू डिफीट लंडन स्पिरिट इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन अगर हम निकालें तो साफ तौर पर नजर आता है कि लंडन स्पिरिट थोड़ा बेहतर पोजिशन पर दिखाई दे रही है, बट वेल्श फायर हैज द एबिलिटी टू विन देयर फर्स्ट मैच इन दिस करेंट सीजन। अब दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है और यहाँ पर हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होने वाला है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने ओपिनियन हमसे जरूर साझा करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा एक और एनालिसिस के साथ। और भैया एशिया कप शुरू हो रहा है तो उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है भाई, सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को, जिससे एशिया कप से लेकर द 100 और ऐसे कई टूर्नामेंट्स की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते जाएं। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।